आज अपन पढ़ते हैं जीन इंटरेक्शन, जो आपके जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी का जो पेपर है सेकेंड, उसको जो अभी चल रहा है उसी के अंदर अपन ने कल क्रॉसिंग ओवर पढ़ा था। तो जीन इंटरेक्शन में सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन, फिर टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शन है, मतलब किस प्रकार के जीन को और कहाँ पर जो मौजूद है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो एक तो पहला टाइप है एलिलिक इंट्रैक्शन, जो कि नॉन एपिस्टेटिक इंट्रैक्शन भी कहा जाता है, ठीक है ना। एलिलिक इंट्रैक्शन तो जिसमें आपके कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, ये क्या है, एलिलिक इंट्रैक्शन में आते हैं, या फिर अपन उसको कहें नॉन एपिस्टेटिक इंट्रैक्शन में आते हैं, जिसको अपन अगली स्लाइड्स के थ्रू समझेंगे कि क्या होता है एलिलिक और नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन, या फिर अपन कहें एपिस्टेटिक और नॉन एपिस्टेटिक इंट्रैक्शन क्या होता है। नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन में कंप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन आता है, एपिस्टासिस आता है, इनहेबिटरी जीन इंट्रैक्शन आता है और डुप्लीकेट जीन इंट्रैक्शन, ये चारों जो फिनोमेनन है ये आते हैं नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन में। और एलिलिक इंट्रैक्शन के अंदर को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस आता है। इंट्रोडक्शन, द फिनोमिना ऑफ ए टू आर मोर जीन्स अफेक्टिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ईच अदर इन वेरियस वे इन द डेवलपमेंट ऑफ ए सिंगल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनल इज नोन एज जीन इंट्रैक्शन। तो एक पर्टिकुलर जीव के अंदर जो लक्षण है उसके लिए बहुत सारे जीन एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, दर्शाने के लिए उनके एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेस होता है। तो द फिनोमिना टू आर मोर जीन अफेक्टेड द एक्सप्रेशन ऑफ ईच अदर, मतलब हर एक पर एक जीन किसी दूसरे के प्रभाव को अफेक्ट करता है, कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, ठीक है ना, अलग अलग वेज से, ठीक है ना, ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो वो क्या कहलाता है, जीन इंट्रैक्शन कहलाता है, मतलब जीन आपस में इंट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, जिसकी वजह से दोनों के ऊपर दोनों का जो एक्सप्रेशन है वो प्रभावित हो रहा है। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज आर कंट्रोल्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड एंड गवर्न्ड बाय द कोलैबोरेशन ऑफ सेवरल जीन। तो ज्यादातर जो मनुष्य के अंदर जो, या कहें या जीवों के अंदर कहें, जितने भी जीवित जीव हैं उनके अंदर जो लक्षण होते हैं उनके, वो एक से अधिक या बहुत सारे जीन मिलकर उसको नियंत्रित करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मेंडल एंड अदर वर्कर एज्यूम दैट द कैरेक्टर्स आर गवर्न बाय सिंगल जीन्स। तो मेंडल और मेंडल के समय पर जो उसके साथ काम करने वाले को वर्कर्स थे, वो उनका जो थ्योरी था वो हाइपोथेसिस ये था कि भाई जो पर्टिकुलर कैरेक्टर वो एक जीन के ही द्वारा नियंत्रित या कंट्रोल किया जाता है। बट लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द मनी कैरेक्टर्स आर गवर्न बाय टू आर मोर जीन्स। उसके पश्चात ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जीवों के अंदर वो दो या दो से अधिक जीन मिलकर उसको नियंत्रित करते हैं। सच जीन्स अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द कंसर्ट कैरेक्टर इन ए वेरियस वे। तो इस प्रकार के जीन उस पर्टिकुलर लक्षण को अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं, या वो लक्षण अलग अलग तरह से विकसित होता है, दैट लीड टू द मॉडिफिकेशन ऑफ द टिपिकल डायहाइब्रिड क्रॉस। तो इस वजह से इट लीड्स टू द मॉडिफिकेशन ऑफ टिपिकल डायहाइब्रिड एंड टिपिकल ट्राईहाइब्रिड क्रॉस। दो ये क्रॉस के जो रेशियो है ये चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे डायहाइब्रिड का जो रेशियो है 9:3:3:1, ये 9:3:3:1 नहीं रहता। ट्राईहाइब्रिड का जो रेशियो है 27:9:9:3:9:3:3:1, ये रेशियो वैसा नहीं रहता। ये ड्यू टू जीन इंट्रैक्शन की वजह से ये इसके अंदर बदलाव देखने को मिलता है। द जीन इंट्रैक्शन एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन डिपेंड ऑन एक्सप्रेशन ऑफ आर प्रेजेंस आर एब्सेंस ऑफ अनदर जीन। तो जीन इंट्रैक्शन मीन्स जो दूसरे जीन की उपस्थिति की वजह से, ठीक है ना, उसका एक्सप्रेशन उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर निर्भर रहता है, उसके उपस्थिति या नहीं होने की वजह से, या फिर उसके साथ इंटरेक्ट करके वो कुछ और एक्सप्रेशन देते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है या इस प्रकार का उनका जो फिनोटाइपिकल जो कैरेक्टर आता है उस वजह से, तो वो किस वजह से होता है, इन जीन की इंटरेक्शन की वजह से होता है। जैसे टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शन, अपन जो एलिलिक और नॉन एलिलिक की बात कर रहे थे, तो ऐसे जीन जिनके एलिल्स उसी क्रोमोसोम पर मौजूद है उनके बीच में किसी प्रकार का एक दूसरे को वो प्रभावित कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, एलिलिक इंट्रैक्शन। तो दिस दीज एलील्स आर प्रेजेंट ऑन ए
सेम क्रोमोसोम, इसी क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद है, इनके बीच में आपस में इंट्रैक्शन हो रहा है, तो सच टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन इज नोन एज एलेलिक इंट्रैक्शन। और ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, इसका जीन इसके साथ इंट्रैक्ट कर रहा है, तो सच टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इज नोन एज नॉन एलेलिक इंट्रैक्शन। तो इसका मतलब ये हो गया कि एलेलिक इंट्रैक्शन द इंट्रैक्शन बिटवीन एलील्स ऑफ ए सेम क्रोमोसोम इज नोन एज एलेलिक इंट्रैक्शन, नॉन एलेलिक द इंट्रैक्शन बिटवीन ए एलील्स ऑफ ए डिफरेंट क्रोमोसोम इज नोन एज नॉन एलेलिक इंट्रैक्शन। एलेलिक एंड नॉन एपिस्टेटिक इंट्रैक्शन, एलील्स जीन्स आर लोकेटेड ऑन इन आइडेंटिकल लोकाई ऑफ ए होमोलोगस क्रोमोसोम, सो इंट्रैक्शन बिटवीन एलील्स एट ए वन लोकाई इज का एलेलिक इंट्रैक्शन। ठीक है ना, एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर जो मौजूद है, ठीक है ना, उनके बीच में किसी प्रकार का इंट्रैक्शन हो रहा है, तो सच टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इज नोन एज ए एलेलिक इंट्रैक्शन, या फिर उसको कहें नॉन एपिस्टैटिक इंट्रैक्शन। दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन गिव्स द क्लासिकल रेशियो 3:1 or 9:3:1। ऑल एलील इंट्रैक्शन विद ईच अदर इन ए कॉम्प्लेक्स वे, तो इस प्रकार का जो इंट्रैक्शन है उसके लिए जो फिनोमेन है कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो दर्शाते हैं, पूर्ण प्रभाविता दर्शाते हैं या सप्रभाविता दर्शाते हैं या अपूर्ण प्रभाविता वो दर्शाते हैं। कंप्लीट डोमिनेंस, मेंडल लॉ डिस्क्राइब रिलेटिव सिंपल पैटर्न ऑफ एनी ट्रेस, ईच कैरेक्टर इज डिटरमाइंड बाय वन जीन, मतलब हर एक प्रत्येक जो कैरेक्टर है उनके कहना है कि वो एक जीन से होता है, फॉर विच देयर आर ओनली टू एलील्स, उसके लिए क्या एक जीन के अंदर दो एलील्स होते हैं, वन इज कंप्लीट डोमिनेंट, एक जो एलील होता है वो पूर्ण रूप से प्रभावी होता है टू अदर्स दूसरे के ऊपर, दिस टाइप ऑफ जीन इंट्रैक्शन इज कॉल्ड कंप्लीट डोमिनेंस, इस प्रकार के इंट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, पूर्ण प्रभाविता कहते हैं। तो जिसके अंदर क्या होता है, जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती है, वो एक होती है जो कि डोमिनेंट होती है, दूसरी रिसेसिव होती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंट बोथ हेटरोजाइगस ए एंड डोमिनेंट होमोजाइगस हैव द सेम फिनोटाइप्स, तो इनके अंदर ये जैसे क्या है, ए है वो डोमिनेंट है, ठीक है ना, वेयर एज स्मॉल लेटर ए जो जीन के क्या है, जीन के एलील के लिए है, वो रिसेसिव है, तो हेटरोजाइगस कंडीशन एंड होमोजाइगस कंडीशन ऑफ ए डोमिनेंट जीन, ठीक है ना, डोमिनेंट जीन की हेटरोजाइगस कंडीशन और डोमिनेंट जीन की होमोजाइगस कंडीशन जो फिनोटाइपिकली क्या कहते हैं प्रभावित ही दर्शाएगा। इन कंप्लीट डोमिनेंस द डोमिनेंट एलील कंप्लीटली मास्क द रिसेसिव वन, तो जो पूर्ण प्रभाविता उसके तहत जो प्रभावी एलील होता है वो पूर्णतः अप्रभावी एलील्स को ढक देता है, उसको मास्क कर देता है, उसको हाइड कर देता है। कंप्लीट डोमिनेंस, फॉर एग्जाम्पल द पर्पल फ्लोवर आर डोमिनेंट ओवर द व्हाइट फ्लोवर, तो जो पर्पल रंग का जो फूल है उसके लिए जो जीन एलील उतरदायी है, ठीक है ना, तो वो डोमिनेंट है किसके, सफेद रंग के लिए जो एलील उतरदायी है उसके ऊपर। तो ए होमोजाइगस पर्पल फ्लोवर इज क्रॉस्ड विथ ए होमोजाइगस व्हाइट फ्लोवर, देन द फिनोटाइप क्या होगा, जो डोमिनेंट है पर्पल वो पर्पल आएगा F1 जनरेशन, तो ऑफस्प्रिंग इन F1 जनरेशन इज ए पर्पल फ्लोवर। इस दूसरी तरफ आप इस तो एक डायग्राम के तहत समझ सकते हैं, ठीक है ना, तो वाइट ये है, ये रिसेसिव है, ठीक है ना, ये रिसेसिव है, ये दिस वन इज ए डोमिनेंट, ये पर्पल कलर का है जबकि ये वाइट कलर का है। तो F1 जनरेशन में देखेंगे तो सारे के सारे, क्योंकि ये डोमिनेंट है, इसने इसको मास्क कर दिया है, इसको ढक दिया है, इसको एक्सप्रेस नहीं होने दिया है, ये रिसेसिव वन है, ये प्रभावित है, तो ये अपनी F1 जनरेशन में ये सारे के सारे अपना प्रभाव दर्शाते हैं, ये 100% जो इसका रेशियो होगा वो सारे के सारे, क्योंकि ये इन सब के अंदर क्या है, हेटरोजाइगस कंडीशन में है, ये इटसेल्फ होमोजाइगस कंडीशन में था, यहाँ पर आप देख रहे हैं हेटरोजाइगस स्थिति है, ये सारे के सारे F1 जनरेशन वाले क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे, सभी के सभी पर्पल रंग वाले फूलों वाले होंगे। F1 प्लांट सेल्फ फर्टिलाइज एंड प्रोड्यूस द गैमेट P and P, यदि इसको आप सेल्फ फर्टिलाइज करते हैं तो ये युग्मक के अंदर जो एलील है, एक के अंदर क्या है कि डोमिनेंट एलील जाएगा दूसरे, ठीक है, दोनों के अंदर ये क्या कहते हैं, हाँ, एक के अंदर डोमिनेंट जाएगा दूसरे के अंदर रिसेसिव जाएगा, क्योंकि ये हेटरोजाइगस कंडीशन में था। दिस रिजल्ट्स इन द टू फिनोटाइप इन द F2 जनरेशन, सो फिनोटाइप रेशियो इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज 3:3। तो इसको जब F1 जनरेशन में जो अपन को मिले हैं जो हेटरोजाइगस कंडीशन में इस स्थिति में जो थे, ठीक है ना, इनको अभी आपस में आप सेल्फ क्रॉस कराओगे तो आपको जो रेशियो है इसका वो 3:1 प्राप्त होगा, फिनोटाइपिकली रेशियो,
3:1 होगा, क्योंकि वहां पर क्या होगा, जो कंडीशन है, एक कंडीशन होगी जो कि डोमिनेंट होमोजाइगस होगी, दो ऐसी कंडीशन होगी जो कि डोमिनेंस हेटरोजाइगस कंडीशन होगी, तो एक ऐसी कंडीशन होगी जो कि होमोजाइगस रिसेसिव होगी। तो जीनोटाइपिकली 1:3, 2:1 रेशियो आएगा, और फिनोटाइपिकली रेशियो 3:1 आएगा। फिनोटाइपिकली बाहर से देखने पर तीन जो है पर्पल फ्लोवर वाले मिलेंगे और एक जो होगा वो व्हाइट फ्लोवर वाला मिलेगा। जहां यहाँ आप देख रहे हैं ये होमोजाइगस कंडीशन डोमिनेंट की है, ये होमोजाइगस कंडीशन रिसेसिव की है, और ये दो होंगे ये हेटरोजाइगस होंगे पर ये डोमिनेंट होंगे। तो ये जेनेटिकली जो है 1:2, 2:1 रेशियो आएगा किसके अंदर, पूर्ण प्रभाविता के अंदर। तो जीनोटाइप रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉसिस 1:2:1, ठीक, क्लियर को ये अब क्लियर हो गया होगा आपके। तो F1 जनरेशन को स्वयं सेल्फ फर्टिलाइजेशन करोगे F1 × F1, तो इसको ऐसे करवाओगे तो फिर आपको ये जो परिणाम है वो ये मिलेगा, ठीक है ना। और फिनोटाइपिकली मतलब बाहर से देखने में वो कैसे दिखाई देने हैं, तो तीन जो रिजल्ट होंगे वो पर्पल फ्लोर वाले होंगे और एक होगा जो व्हाइट फ्लोर वाला होगा। तो कंप्लीट डोमिनेंस का जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो 3:1 है, और जीनोटाइपिक रेशियो है वो 1:2:1 है। 1 इज ए होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस प्रभावी, 2 है जो कि हेटरोजाइगस प्रभावी है, और जो एक है वो होमोजाइगस रिसेसिव है जो कि अप्रभावी है, जो यहाँ आप यहाँ देख रहे हैं। कंप्लीट डोमिनेंस का ये ट्यूब ब्रीडिंग होमोजाइगस पेरेंट, ठीक है ना, ये आप रिसेसिव है और ये डोमिनेंट है पेरेंट प्लांट। तो उसको आप जब पेरेंट्स हैं उनको ट्यूब ब्रीडिंग करा रहे हो, तो ये सारे के सारे एफ जनरेशन में सब के सब क्या होंगे, पर्पल फ्लोर वाले प्लांट मिलेंगे 100%, ठीक है ना। फिर इसको F1 जनरेशन को आप सेल्फ क्रॉस कराओगे, यहाँ पर इसके गेमेट्स प्रोड्यूस हुए, इनको सेल्फ क्रॉस कराया, ठीक है ना। इसके दो टाइप्स के गेमेट प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पर दोनों के सिमिलर टाइप के गेमेट्स प्रोड्यूस होंगे, जिसके अंदर एक के अंदर ए एलील जाएगा, दूसरे के अंदर भी ए जाएगा, इसके अंदर स्मॉल ए वाला एलील जाएगा, इसके अंदर स्मॉल ए वाला एलील जाएगा। यहाँ पर टू डिफरेंट टाइप्स के जो गैमेट्स है जिसके अंदर अलग अलग एलील जाएंगे, एक के अंदर डोमिनेंट जाएगा, एक के अंदर रिसेसिव जाएगा। तो इसका आपस में जब क्रॉस होगा तो ये आपस में क्रॉस करेंगे, ठीक है ना, ये आपस में क्रॉस करेंगे, तो एक पूर्ण प्रभावी वाला जिसको होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन मिलेगी, दो ऐसी होगी जो हेटरोजाइगस डोमिनेंट मिलेगी, और एक होमोजाइगस रिसेसिव मिलेगी। तो ये जीनोटाइपिकली रेशियो जो है 1:2:1 देखने को मिलेगा, और फिनोटाइपिकली तीन पर्पल और एक व्हाइट फ्लोर वाले प्लांट्स देखने को मिलेंगे। ओके, 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो होगा और 1:2:1, 1 होमोजाइगस डोमिनेंट 1, एंड 2 इज हेटरोजाइगस डोमिनेंट 1, एंड 1 इज होमोजाइगस रिसेसिव 1। तो ये इसका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो। मतलब फिनोटाइपिक मतलब एक्सटर्नली या मॉर्फोलॉजिकली कैसे दिखाई देते हैं, जीनोटाइप मतलब जेनेटिकली उनका जो देखने में कैसे दिखते हैं, या जेनेटिकली उनको जो एलील्स के रूप में यदि उसको अपन दर्शाएं तो वो किस तरह, तो एलील्स के रूप में आप इसको इस कंडीशन में दर्शाओगे तो ये 1:2:1 रेशियो मिलेगा। अपूर्ण प्रभाविता, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पार्शियल डोमिनेंस, जहां पर पूर्ण प्रभाविता नहीं होती है, वेयर डोमिनेंस ऑफ ए एलील ओवर अदर इज नॉट कंप्लीट, तो एक एलील दूसरे के ऊपर अपना पूर्णतः प्रभाव नहीं दर्शा पाता है, तो वहां पर वो क्या किस प्रकार की प्रभाविता देखने को मिलती है, अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, द जीन्स ऑफ द एलियोलोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस देमसेल्फ पार्शियली व्हेन प्रेजेंट टुगेदर इन ए हाइब्रिड कंडीशन, जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो ये अपना पार्शियली अपना प्रदर्शन कर पाते हैं, दर्शा पाते हैं रिजल्ट। एज ए रिजल्ट हेटरोजाइगस ए आर फिनोटाइपिकली इंटरमीडिएट बिटवीन द टू होमोजाइगस टाइप्स, तो दोनों जो ये होमोजाइगस टाइप्स कंडीशन में होगी, तो ये एज ए रिजल्ट ऑफ हेटरोजाइगस आर फिनोटाइपिकली इंटरमीडिएट बिटवीन द टू, दोनों पेरेंट्स के इंटरमीडिएट्स होगा, ठीक है ना, जब उसकी होमोजाइगस कंडीशन होगी। हेटरोजाइगस होगा तो
वो पेरेंट्स के जैसा होगा, जबकि होमोजाइगस जब कंडीशन होगी, हेटरोजाइगस कंडीशन होगी तो वो पेरेंट्स के जैसा नहीं होगा, होमोजाइगस कंडीशन होगी तो वो पेरेंट्स के जैसा होगा। द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द एफ टू जनरेशन आर द सेम एज 1:2:1। जैसे मेराबिलिस जालिका 4 o'clock प्लांट या स्नैपड्रैगन प्लांट, जिसको यहाँ अपन देखें मेराबिलिस जालिका 4 o'clock प्लांट है और ये स्नैपड्रैगन प्लांट है। तो यहाँ पर जैसे आप क्या कहें, वायलेट और ये वाइट और पिंक, आपको ये तीनों रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एक इंटरमीडिएट रिजल्ट होगा और दूसरे दो रिजल्ट होंगे वो पेरेंट्स के जैसे ही होंगे, जिसको अपन दूसरी स्लाइड में देखते हैं। जैसे यहाँ इनकम्प्लीट अपूर्ण प्रभावित है, तो जो पेरेंट्स थे वो क्या थे, एक रेड फ्लोवर था दूसरा वाइट फ्लोवर था, तो इन दोनों के इंटरमीडिएट जो था वो पर्पल पिंक सॉरी गुलाबी, यहाँ रेड वाइट, तो इसका जो एफ वन जनरेशन थी वो इंटरमीडिएट मिली दोनों के बीच की, मतलब ये अपना प्रभाव पूर्णतः दर्शा नहीं पा रहा है वाइट के ऊपर। तो इन दोनों के जो इंटरमीडिएट थे, इन दोनों के मध्य का जो कलर है वो फ्लोवर में देखने को मिला वो था पिंक। अब जब एफ वन जनरेशन जो है उसको सेल्फ क्रॉस कराया, तो एफ टू जनरेशन के अंदर यानी कि सेकेंड फीलियल जनरेशन के अंदर आपको दो है वो है इंटरमीडिएट मिले और आपको एक एक है वो उनके पेरेंट्स के जैसा मिला, यानी कि एक आपको रेड मिला एक आपको वाइट मिला और दो जो थे वो इंटरमीडिएट मिले। तो यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे जब ये होमोजाइगस कंडीशन होगी तो दोनों के दोनों पेरेंट्स के जैसे होंगे, और जब हेटरोजाइगस कंडीशन होगी तो दोनों दोनों वो इंटरमीडिएट होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हेटरोजाइगस कंडीशन है, तो ये मतलब ये दोनों पिंक रंग के होंगे और ये पेरेंट्स के जैसे होंगे, एक वाइट होगा और एक रेड होगा। ये मेरा भी जालीपा का एग्जाम्पल है और ये स्नैपड्रैगन प्लांट का एग्जाम्पल है। यहाँ आप देख लें ये रेड और वाइट है, इनको आपस में क्रॉस कराओगे तो इनकम्प्लीट डोमिनेशन के अंदर जो एफ वन जनरेशन है वो इन दोनों के इंटरमीडिएट मिलेगा, ना कि रेड मिलेगा। यदि रेड डोमिनेट है तो यहाँ रेड डोमिनेट नहीं आएगा, यहाँ दोनों का इनकम्प्लीट, ये अपनी पूर्णतः प्रभाविता नहीं दर्शा पाता है, पार्शियल डोमिनेंसी दर्शा पाता है, इसलिए वजह से इन दोनों के बीच का जो कलर है यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर ये पिंक रंग के फूल इसके ऊपर दिखाई देंगे, ठीक है। और वापस इसको जब सेल्फ क्रॉस कराया जाता है एफ वन के साथ में, तो फिर जो एफ टू जनरेशन है उसके अंदर दो जो है वो इंटरमीडिएट मिलेंगे और एक एक है जो उसके जो पेरेंट्स थे उनके जैसा मिलेगा, यानी कि रेड और वाइट मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो दोनों का जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक जो रेशियो है 1:2:1 होगा, यानी कि फिनोटाइपिकली ये एक रेड है दो पर्पल है और एक वाइट है, और जीनोटाइपिकली देखें तो एक डोमिनेंस है दो हेटरोजाइगस है और एक रिसेसिव है, ठीक है ना। तो इनका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक जो रेशियो है वो सेम होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर 1:2:1 जो रेशियो है वो दोनों का होगा, फिनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 होगा और जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 होगा, जबकि कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर जो रेशियो है फिनोटाइपिक है वो 3:1 है, जबकि जेनेटिव रेशियो 1:2:1 है। अब अपन करते हैं कोडोमिनेंस की, मतलब सह प्रभाविता दोनों अपनी अपनी। कोडोमिनेंस इज ए काइंड ऑफ जीन इंटरेक्शन इन विच द हेटरोजाइगस एक्सप्रेस बोथ डोमिनेंट फिनोटाइपिक कैरेक्टर। तो दोनों का जो प्रभाव वो देखने को मिलता है, वन एलील फॉर ए ट्रेट इज नॉट डोमिनेंट ओवर द अदर, मतलब एक एलील किसी दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव नहीं दर्शा पाता है। द हेटरोजाइगस कंडीशन produce a phenotype phenotypes in which both variation appears as a both the alleles are expressed equally। तो यहाँ पर क्या है, दोनों जो alleles है वो अपने आप को अपना प्रभाव दर्शाते हैं बराबर समान। Codominance is most clearly identified when the protein produced of both alleles are detectable in a heterozygous organism। तो यहाँ पर codominance को detect कब किया गया, जब दोनों एलिस जो प्रोटीन सीग्रेट करते हैं वो हेटरोजाइगस के अंदर देखा गया। तो इट मींस बोथ आर एक्सप्रेस देमसेल्फ इन एफ वन जनरेशन। तो एग्जांपल के लिए फ्लोर कलर इन ए कैमिलिया एंड ह्यूमन ब्लड ग्रुप, तो जो कैमिलिया का कलर है वो और ह्यूमन ब्लड ग्रुप है जो, वो वहां पर आपको कोडोमिनेंस देखने को मिलता है।
जैसे ये रेड है तो यहाँ पर दोनों व्हाइट भी अपना दर्शा रहा है, यानी कि यहाँ पर ये देखो हल्के हल्के व्हाइट है और इंटरमीडिएट नहीं है। इंटरमीडिएट में होता तो पार्शियल डोमिनेंस हो जाता है, यहाँ पर अपन कहें इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाता है, अपूर्ण प्रभाव हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों सह प्रभाव दर्शाते हैं, मतलब रेड भी है और व्हाइट भी, कलर भी उसमें रेड एंड व्हाइट बोथ कलर आपको फ्लोर में देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर पेरेंट्स इसके थे वो व्हाइट थे, फुली व्हाइट था और फुली रेड था। ठीक है, जैसे व्हाइट कैमिलिया, रेड कैमिलिया इस प्लांट, तो यहाँ पर रेड एंड व्हाइट कैमिलिया दोनों अपना प्रभाव फ्लोर के अंदर दर्शा रहे हैं। फ्लोर मतलब आधे उसके अंदर पैचेस देखने को मिलेंगे व्हाइट के और आधे पैचेस देखने मिलेंगे रेड के, जिसे अपन को डोमिनेंस देखें इन ह्यूमन। एन एग्जाम्पल लीजिए, ए बी टाइप ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप, जो ए एंड बी टाइप है उसके अंदर आपको दोनों प्रकार के एलील देखने को मिलेंगे, ए एलील और बी, जैसे यहां पर देख रहे हैं अपना दोनों प्रभाव दर्शाते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। तो जो एन एग्जाम्पल इज ए बी टाइप ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, जैसे ये जीनोटाइप एक इसके देख लें, ए ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप्स दो हो सकते हैं, ठीक है ना, ये भी ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो भी ब्लड ग्रुप ए होगा, ये हेटरोजाइगस कंडीशन में होगा तो भी ब्लड ग्रुप ए होगा, ये बी के अंदर आप देखो आई बी और आई ओ, ये ठीक है ना, ये एलील्स फॉर्म्स है इसकी, ये इस में होगा फॉर्म में तो भी ब्लड ग्रुप बी होगा, इस फॉर्म में भी होगा ब्लड ग्रुप बी होगा। जैसे ए बी जो ब्लड ग्रुप है यहाँ पर ये क्या है, कोडोमिनेंस है, मतलब दोनों एलील्स अपना प्रभाव दर्शा रहे हैं, वो ब्लड ग्रुप में है तो ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा, बाकी सब ये सब तीनों के तीनों हेटरोजाइगस कंडीशन में, एलील्स मतलब होमोजाइगस हेटरोजाइगस दोनों कंडीशन है, ए बी में होमोजाइगस हेटरोजाइगस दोनों कंडीशन है, जबकि ए बी में हेटरोजाइगस कंडीशन है और ओ में होमोजाइगस कंडीशन है। तो ये जो एलील्स हैं, ठीक है ना, ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये ब्लड आरबीसी सेल्स है और तो एंटीजन है इसके ऊपर, ये इसके सरफेस पे आरबीसी के सरफेस पे पाए जाते हैं, जिसे अपन डिटेक्ट करवाते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप ये है, जैसे एंटीजन ए होगा, एंटीजन बी होगा, एंटीजन नहीं है और दोनों एंटीजन है, ठीक है ना, तो को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस ये आते हैं एलीलिक इंटरेक्शन में, या आप अपन कहें नॉन एपियास्टेटिक जो इंटरेक्शन है उसके अंदर आते हैं। अगले ई लेक्चर के थ्रू अपन पढ़ेंगे नॉन एलीलिक इंटरेक्शन, या पर अपन कहें एपियास्टेटिक इंटरेक्शन। तो एक पार्ट जो जीन इंटरेक्शन का है वो आज अपन ने पढ़ लिया है उसको, जीन इंटरेक्शन जिसमें अपन ने दो प्रकार के पढ़े, एलीलिक और नॉन एलीलिक। तो एलीलिक को आप आज अपन ने कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर अपने तीन फिनोमिनन पढ़े, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस। ब्लड ग्रुप को आपको अलग से भी पढ़ना है, ठीक है ना, जहां पर आपको मल्टीपल जीन इंटरेक्शन है उसके अंदर भी इसको वापिस अपन पढ़ेंगे। तो ये आप ध्यान करना है कि भाई ए ब्लड ग्रुप है उसके अंदर इसके एंटीजन ए है वो ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, ए है जिसके एंटीजन बी है वो ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है ना, जिसके अंदर एंटीजन दोनों है वो ब्लड ग्रुप ए बी है, जिसके अंदर एंटीजन नहीं है वो ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है ना, उसका उल्टा हो जाएगा एंटीबॉडी, ठीक है ना, तो एंटीजन हमेशा आरबीसी के सरफेस पर होते हैं, जबकि एंटीबॉडी होंगे तो वो उसके प्लाज्मा में पाए जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर आइए और दोनों, ठीक है ना, जबकि तो अपन अलग से भी पढ़ेंगे। थैंक यू।